देखिए वॉइस में पिछली वीडियो में आपको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस बताया था। आज अब आपको इस वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की वॉइस कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की वॉइस के लिए क्या किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस वॉइस का सभी में वही सेम तरीका होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और लास्ट में बाई प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की लग जाती है तो पास्ट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो इसकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। इसमें एक चीज़ का और हमें आराम हो जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें नहीं ढूंढनी पड़ती, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगी रहती है। तो देखिए जैसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाएंगे, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हमें क्या लगाना है, हैड बीन का ही प्रयोग करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे देखते हैं इसका कोई एग्जांपल लेके, जैसे कह दिया जाए वी हैड डन आवर वर्क, जैसे लिखा वी हैड डन आवर वर्क, तो इसे जैसे हमें चेंज करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, आवर वर्क। तो इसे जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे शुरू में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आवर वर्क, आवर वर्क। अब हमें हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड बीन लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो सीधे से लगा देंगे हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी ही रहती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है, डन। बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो बाई, अब वी का ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे बाई अस, ये हो गया। आगे जैसे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आगे कैसे बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे देखते हैं, जैसे कह दिया जाए सी हैड रेड नावेल, सी हैड रेड नावेल। तो उसे जब चेंज करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, नावेल, तो नावेल को सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे शुरू में ले आएंगे नावेल। अब सबके साथ हैड बीन लगाना हो, लगाना है तो हैड बीन, नावेल हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी रहती है तो रेड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई, अब सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर। अगला एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में क्या करेंगे, सेम यही कंडीशन है, जैसे कह दिया जाए माई फादर हैड रेड न्यूज पेपर, माई फादर हैड रेड न्यूज पेपर। तो इसे जब चेंज करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज पेपर, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे शुरू में ले आएंगे न्यूज पेपर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो सीधे से हो जाएगा हैड बीन, न्यूज पेपर हैड बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड, तो रेड ही रहेगा रेड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, तो बाई माई फादर, माई फादर। देखिए इसमें क्या है, पोसेसिव केस आया है माई, तो पोसेसिव केस का हम कोई परिवर्तन नहीं करते, वही रहता है, चाहे सब्जेक्ट की जगह पे आए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे आए। सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उधर जब जाएगा उसी तरह सीधे चला जाएगा, उधर आएगा तो सीधे उसी तरह उठ के आ जाएगा। इसमें ये नहीं करते कि मान लो इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंचा रहे हैं तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस रखें, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो जब सब्जेक्ट बनाए तो इसका नॉमिनेटिव केस रखें, तो ना पोसेसिव केस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, अगर मान लो यही वाक्य हमारे निगेटिव हो जाएं तो क्या करते हैं, निगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक चीज़ का अंतर होता है नॉट का, और वो नॉट कहाँ पे लगता है वो बता देते हैं, नॉट लगेगा हैड के बाद तथा बीन के पहले, यहाँ पे
नॉट लग जाएगा, बाकी सेम हमारा वही तरीका रहेगा, उसी के अनुसार करेंगे जैसे देखते हैं। नॉट वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे निगेटिव का बनाते हैं। जैसे देखिए, शी हैड नॉट कुक्ड फूड, शी हैड नॉट कुक्ड फूड। तो इसे जब करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, तो फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे शुरू में ले आएंगे फूड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। अब निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट बीन, बीन का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड, कुक्ड बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर, ये हो गया निगेटिव। तो आज तक की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे किया जाता है।